नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मथुरा वृंदावन वाली आज हम लस्सी बनाना सीखेंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं मथुरा वृंदावन गई थी और वहाँ पर जो है लस्सी पी कर के जो मज़ा आया मुझे, तो ऐसा लगा कि वो चीज़ हम घर पर ही बनाना सीख लें, तो घर पर भी हम उस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस दही को जमाना जिससे कि लस्सी बनती है उसका पूरा परफेक्ट तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स और लस्सी बनाना हम सीखेंगे। तो आइए झटपट से ही मथुरा वृंदावन की फेमस लस्सी बनाना सीखें। गाढ़ा दही हलवाई स्टाइल में जमाने के लिए हम 2 लीटर फुल फैट क्रीम दूध लेंगे, गाय का, भैंस का, कोई सा भी आप दूध जो अच्छी क्वालिटी का हो वो यूज़ करेंगे। तो 2 लीटर ले लिया, इसको मैं कढ़ाई में खाली कर लेती हूँ। दूध में नाम मात्र का भी हमें पानी यूज़ नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी पतला पानी वाला दूध होगा तो दही की क्रीम बनने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि बिल्कुल गाढ़ा दूध हम लें। और दूध को हम कढ़ाई में खाली कर रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में जब दूध को हम उबालेंगे तो उसमें गाढ़ापन जल्दी आएगा और जो झाग हम बनाना चाह रहे हैं वो भी आसानी से बनेंगे। तो इसलिए इसका दूध जो है हमें स्पेशली कढ़ाई लेनी है, चौड़ा बर्तन लेना है। अब दूध को हम गैस पर चढ़ा देंगे और एक उबाला आएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू हिलाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है तो नीचे लगने का डर बना रहता है। तो इसको हम एक उबाला आने तक थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो दूध में हमारे एक उबाला आ गया है और देखिए चम्मच हम कंटिन्यू चला रहे हैं। और अब मैंने आँच बिल्कुल फुल कर रखी है। फुल आँच करते हुए हम इस दूध को अच्छे से रड़ाएंगे, 5 मिनट तक लगातार हमें इसको उबालना है। इसमें बहुत तेज तेज उबाला आना चाहिए और इस तरीके का चम्मच, कोई भी गहरा चम्मच हो, कोई लोटा हो, कोई जग हो, उसका यूज़ करते हुए हम इसमें करेंगे। अगर आपके तेज उबाला नहीं आ रहा है तो इस तरीके से गहरे बर्तन से दूध को लेके और आप इस तरीके से ऊपर से करेंगे तो इससे जो है बहुत तेज उबाला आएगा और बहुत अच्छे झाग बनेंगे। तो अभी तेज़ आँच कर देती हूँ मैं। दूध को गर्म करने की ट्रिक से ही आप देखेंगे दूध से जो दही आप बनाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, जैसे आप डेली रूटीन में बनाते हैं वो, और इसमें फ़र्क लगेगा। और जो मथुरा वृंदावन में जो लस्सी मिलती है वो इसी तरीके से दही जमा करके बनाई जाती है, तो आज हम भी वही बनाने वाले हैं। तो इसलिए दूध को जमाने से लेकर के हम इसको बनाने तक का सारा प्रोसेस इसी वीडियो में सीखेंगे। आँच मैंने तेज कर रखी है और दूध को देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ और इसमें तेज उबाला आने की तैयारी है। तो तेज उबलने दूंगी इसको, जितना तेज उबलता हुआ दूध होगा और उस दूध को हम इस तरीके से हिलाएंगे तो क्या होगा, इससे काफ़ी झाग बनेगा और जितना ज़्यादा झाग बनेगा उतनी मोटी मलाई हमारे दूध की जमेगी। मलाई जो होती है वही लस्सी की जान होती है। उसको बनाने के लिए बस 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो दूध हमें बिना पानी वाला अच्छा गाढ़ा दूध लेना है, चाहे गाय का ले लें चाहे भैंस का ले लें, और दूसरा उसे गर्म करने की ट्रिक। तीसरी ट्रिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जावन कैसे देना है, जावन कैसे तैयार करना है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। इस दूध को थोड़ा सा और रड़ने देते हैं, तरीके का खोलता हुआ दूध ही चाहिए हमें, तो इसको होने देते हैं। हम जावन तैयार कर लेते हैं, चौड़ा बर्तन इसलिए लिया ताकि आपको दिखे। इस पर मैं एक छलनी लगा रही हूँ। वैसे जितना लिक्विड हमारा जावन होगा उतना अच्छा हमारा दही जम करके तैयार होगा। तो ये देखिए एकदम से गाढ़ा दही है, इसको मैं इस तरीके से छलनी में छान रही हूँ और बिल्कुल कम मात्रा में हमें जावन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दही नहीं लेना है हमको। इसको मैंने छान दिया। इसमें हम 1/2 टीस्पून जितनी शक्कर डाल देंगे, क्योंकि हमें लस्सी बनानी है और गर्मी बहुत तेज़ उमस हो रही है तो इससे हमारा जो जावन है वो खट्टा हो जाता है। तो शक्कर डालने से वो बैलेंस रहेगा, एकदम से तीखा खट्टा नहीं होगा हमारा दही। इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं। हमने मिला दिए और अब इसमें हम 1/2 से 1 टीस्पून दूध डाल रहे हैं, नॉर्मल दूध, ठंडा किया हुआ दूध है। और इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं, शक्कर को, दही को और दूध को। उधर हमारा दूध जो है तेज आंच पे उबल ही रहा है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हमारे इस दूध को खोलते हुए और ये देखिए किस तरीके से तेज उबाला आ रहा है। और इसको मैं जैसे चम्मच से ऊपर चला रही हूँ तो ये झाग बन रहा है। और अभी हम इस दूध को ऐसे ही तेज आंच पे रहने देंगे और इसके हम परात में डाल करके या किसी चौड़े बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में हम इसको जमाएंगे
तो उसमें हम डालेंगे। तो इधर हमारी आँच जली हुई है और मैं बड़ा कोई जग या कोई भगोनी लेकर के इस दूध को एक साथ डालूंगी, क्योंकि जो चम्मच है गहरा वाला है थोड़ा छोटा है। इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इससे क्या होगा, ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप से क्या होगा, हमारे झाग जो है प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं इस चम्मच की जगह कोई भी एक बड़ा जग या लोटा यूज़ कर लूँगी। तो इसको तेज़ खोलने देते हैं इसी आँच पर। परात ले लिए और इस परात में मैं इस दूध को डालूँगी। तो मैंने एक भगोनी ले ली है डंडी वाली, उससे मैं इस दूध को इस तरीके से ऊपर से डालूँगी, इस तरीके से डालूँगी कि इसमें ये झाग तैयार हो। और उधर दूध हमारा गर्म ही रखेंगे हम। गरम है और इस तरीके से ऊपर से डालेंगे तो झाग तैयार होंगे। इसको थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। सारा दूध मैंने इस परात में डाल दिया है, कोई भी चौड़ा बर्तन ले लें आप। और अब इसको हम बिल्कुल मूवमेंट नहीं कराएंगे और इसको हम उंगली ठहरे इतना हल्का गुनगुना, बिल्कुल हल्का गुनगुना, क्योंकि अगर हम गर्म मौसम में बना रहे हैं तो बिल्कुल उंगली जो है हमारी गुनगुना महसूस करे तभी हमें झावन देना है। और सर्दी हो तो हल्का सा तेज गुनगुना हो तो उसमें हम दही देते हैं तो झावन जो है हमारा परफेक्ट होता है और खट्टा नहीं होता, दही बहुत बढ़िया जमता है। लेकिन अभी क्योंकि उमस है बहुत जल्दी दही जमता है और जल्दी खट्टा हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल हल्का गुनगुना कर लेते हैं। तो आधे से एक घंटे में जितनी भी देर में होगा इसको हम फिर चेक करेंगे उंगली लगा करके। लेकिन इसको मूवमेंट नहीं करना क्योंकि देखिए पूरा झाग आ गया, इस झाग को हमें सेट रखना है। तो ये दूध मैंने उंगली डाल करके चेक कर लिया, बिल्कुल हल्का गुनगुना, हमारी उंगली अच्छे से ठहर पा रही है इसमें। तो आधा घंटा कम से कम इसमें लग गया है मुझे ठंडा करने में। और अब इसमें हमने जो झावन बनाया है ये देखिए बिल्कुल पतला है, इसी फॉर्म में हमें यूज़ करना है ताकि ये आसानी से इस दूध में मिल जाए। इसका कारण क्या है कि दही जो होता है वो गाढ़ा होता है, अगर गाढ़े दही का हम झावन देते हैं तो वो एक जगह जाकर के ठहर जाता है। और हमें इसको पूरे दूध में घुमा करके झावन नहीं देना है, एक साइड में झावन देना है। और ये पतला होगा तो ये अपने आप पूरे दूध में फैल जाएगा लिक्विड फॉर्म में होने से, और एक जैसा हमारा दही जम करके तैयार होगा। तो अभी इस झावन को हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है, अगर झावन जो है ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो दही हमारा खट्टा हो जाएगा। तो दही हमें खट्टा करना नहीं है क्योंकि हमें बहुत बढ़िया वाली लस्सी इसकी बनानी है। तो अभी देखिए इसमें मैं 2 लीटर जैसे हमारा दूध है तो इसमें मैं आधा टी स्पून जितना ही सिर्फ इतना सा झावन लूँगी। तो झावन के लिए क्या करूँगी, ये मलाई जो इसके ऊपर ठंडी होने के बाद जम गई तो हल्का सा एक होल करूँगी, पूरी मलाई को छेड़ूंगी नहीं, बस इतनी सी जगह कर दी। और इसमें मैं ये आधी टीस्पून झावन डाल रही हूँ इस तरीके से, और इसको हल्का सा चम्मच को नीचे की तरफ, मलाई को छेड़ना नहीं, और हल्का सा मूवमेंट कर दिया तो ये अपने आप पूरे में फैल जाएगा। और अब इसको हम किसी भी कपड़े से या किसी छलनी से ढक करके इसको 6 से 7 घंटे में जम करके तैयार हो जाता है, और चाहें तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। तो इसको पहले जमने देते हैं। तो देखिए ये 6-7 घंटे में जम गया था और फिर मैंने रात को इसे फ्रिज में रख दिया था। बहुत अच्छी तरीके से सेट हुआ है हमारा दही। और अब हम इसकी जो है ऊपर की मलाई देख लेते हैं, खूब अच्छी सी मोटी लेयर आई है इस पर मलाई की, देख पा रहे होंगे। ये देखिए मोटी सी परत आ गई है इसमें मलाई की, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मलाई को मैं निकाल लेती हूँ अलग प्लेट में। तो मलाई हमने निकाल ली और देखिए अब गाढ़ा गाढ़ा दही है हमारा, तो इसकी हम लस्सी बनाएंगे। लस्सी बनाने के लिए इस तरीके का गहरा बर्तन लेना है, कोई भी लोटा ले लें, भगोनी ले लें। इस तरीके के गहरे में क्या होता है, जब हम फेंटते हैं तो अच्छा से फेंटा जाता है। और ये देखिए मक्खन जैसा हमारा दही जमा एकदम से, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा क्योंकि हमने दूध को अच्छे से पका लिया था। और अच्छे से पके हुए दूध की वजह से दही में भी पके हुए दूध का एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं अभी थोड़ा सा ले लेती हूँ दही। अभी हमने दही ले लिया है इसमें,
टेस्टी लस्सी, ओरिजिनल लस्सी का टेस्ट लाने के लिए हम इस लकड़ी की बिलोनी का यूज़ करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर का या हैंड ग्राइंडर का हम यूज़ नहीं करेंगे। मशीन से फेंटने से क्या होता है, एक तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो लस्सी है वो भी पतली हो जाती है। तो हम इस तरीके की बिलोनी का यूज़ करेंगे। हम मिश्री पीसी हुई डालेंगे या पीसी हुई चीनी पाउडर डालेंगे। पीसा हुआ डालने से क्या होगा कि हम फेंटने पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर हम दही, ठंडा दही होगा और उसमें हम अगर साबुत चीनी डालेंगे तो एक तो वो पानी भी छोड़ेगी, दूसरा उसको फेंटने में भी टाइम लगेगा। तो जल्दी से तैयार हो जाए इसके लिए हमें या तो मिश्री पाउडर यूज़ करना है या फिर शक्कर अगर यूज़ करें तो वो भी पीसी हुई। और इसी में हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा, आप चाहें तो डालें, ना तो ऊपर से सर्व करते हैं उस वक्त भी डाला जाता है। तो थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा गुलाब जल, एक दो बूंद बस, ज़्यादा नहीं। और अब इसे हम बिलोनी से बिलोएंगे और जितना अच्छा बिलोएंगे उतनी अच्छी हमारी लस्सी बनेगी। तो पहले हम इसको बिलो लेते हैं अच्छे से। ये वाली लस्सी थोड़ी गाढ़ी होती है तभी अच्छी लगती है। तो बस एक से दो मिनट में हमारा बिलो गया ये, क्योंकि इस तरीके से हमने दही जमाया कि इसको फेंटने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब इसमें हम बर्फ़ का चूरा डालेंगे, क्यूब्स नहीं डालने, चूरा करके डालना, तो उससे इसकी जो थिकनेस और अच्छे से सेट हो जाती है, ठंडक भी हो जाती है। और फिर से इसको हम फेंट लेंगे तो दही से हमारी फिट करके लस्सी तैयार है। अब इसको हम कुल्हड़ में से सर्व करेंगे। देखिए इसकी थिकनेस। अब इसमें हमने अपनी फिटी हुई लस्सी डाल दी और इस पर हमने जो मलाई अलग की थी, दही की मलाई का टेस्ट आता है और मथुरा वृंदावन में जो सर्व की जाती है लस्सी उसमें भी दही के ऊपर की जो मलाई होती है उसी से उसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने मलाई डाल दी इस पर और अब इस पर मैं थोड़ा सा पिस्ता की कतरन डाल दूँगी, ऑप्शनल है ये बिल्कुल। और थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर लूँगी, हल्का हल्का सा, क्योंकि हमने अंदर भी डाला है। चाहे तो इस पर रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी ये मथुरा वृंदावन वाली लस्सी घर पर ही बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।